फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इलाहाबादी गर्ल बबीता राज। मैं बबीता। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक होममेड टोनर लाई हूँ। एक होममेड टोनर बताऊंगी जो आपकी स्किन से, आपके चेहरे पे जो एक्ने की प्रॉब्लम है, दाग धब्बों की प्रॉब्लम है, मुहासे निकल रहे हैं, पिंपल्स निकल रहे हैं, उसे दूर करेगा और आपकी स्किन को, आपके चेहरे को एक जैसा करेगा। आपकी आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल हैं, काले काले घेरे हैं, उसे दूर करेगा। ठीक है। और क्या होता है ना, कहीं हमारा चेहरा होता है कहीं बहुत ज़्यादा गोरा दिखता है और कहीं इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क होता है, जैसे हम कहते हैं ब्राउन स्पॉट, डार्क स्पॉट, ठीक है, ब्लैक स्पॉट, जो चिक एरिया होता है बहुत ज़्यादा फेयर होता है, फोरहेड डार्क होता है। तो आपकी स्किन आपके पूरे चेहरे की जो रंगत है इक्वल करेगा। आपकी स्किन जो सूरज की रोशनी से टैन हो चुकी है, सनबर्न की प्रॉब्लम है, टैनिंग की प्रॉब्लम है, इसे भी दूर करेगा। मैंने इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए हैं जो आपकी स्किन की प्रॉब्लम को दूर करेगा, आपकी रंगत को इक्वल करेगा। ठीक है। इसे आप बना करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हो कम से कम 10 दिन के लिए। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो ये टोनर आपकी एक्स्ट्रा ऑयल को भी कम करेगा। इसे कब यूज करना, कैसे यूज करना, आप इसे कभी भी यूज कर सकते हो। जब लगता है कि आपको टोनर की ज़रूरत है तो आप अपने स्किन से इसे यूज कर सकते हो। और रात में सोने के पहले आप इसे यूज कर रहे हो तो जो मुहासे, पिंपल्स, दाग धब्बे हैं ना, उसे गायब करेगा। तो चलो फटाफट देख लो इसे कैसे बनाना है। वीडियो पसंद आएगा तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। मेरे वीडियो आपको बहुत बहुत अच्छे लगते हैं और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना यार। इधर होता है, जिधर भी होता है ना, उसको प्रेस करोगे तभी मैं जैसे वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलो फिर फटाफट हम लोग टोनर बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो टोनर मैं बना रही हूँ, इस टोनर को बनाने के लिए मैं रोज वाटर ले रही हूँ। ये 150 ml है। आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हो। वैसे रोज वाटर लोगे तो काफ़ी अच्छा टोनर होगा, आपकी स्किन की सभी प्रॉब्लम दूर करेगा। आप सभी को पता है जो रोज वाटर होता है हमारे कलर को फेयर करता है, स्किन की प्रॉब्लम को दूर करता है और एक बहुत ही बेहतरीन टोनर भी माना जाता है। तो मैंने यहाँ पे गैस पे एक फ्राई पैन रख दिया है, उससे गैस को बिल्कुल स्लो कर दिया है और इसमें सारा रोज वाटर मैंने डाल दिया है 150 ml। ठीक है। अब यहाँ पे जो जो मैं ऐड करने जा रही हूँ फटाफट आपको बता देती हूँ क्या क्या ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैं 1/2 स्पून ले रही हूँ, यह है तुलसी पाउडर, तुलसी की पत्तियों का पाउडर है। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है। अगर आपके पास ये पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे 10 पत्तियाँ फ्रेश तुलसी की पत्तियाँ को भी आप यहाँ ऐड कर सकते हो। अब यहाँ मैं जो दूसरी चीज़ ऐड करने जा रही हूँ ये है मुलेठी पाउडर, जो हमारी स्किन की सभी प्रॉब्लम को दूर करता है, साथ ही हमारी रंगत को भी फेयर करता है, कलर को निखारता है। ये आप किसी भी पंसार की दुकान पर मिल जाएगा। तो इसे भी मैं 1/2 स्पून ऐड कर रही हूँ। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो मैं ऐड करने जा रही हूँ वो ले रही हूँ चंदन पाउडर। चंदन पाउडर हमारे स्किन को अच्छे से डीप क्लीन करता है, दाग धब्बों को हटाता है, कलर को फेयर करता है, स्किन को कूल रखता है। ठीक है। इसको भी हमने 1/2 स्पून लिया, इसे भी डाल के मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ मैं जो ऐड करने जा रही हूँ वो है रोज पिल पाउडर। इसमें विटामिन सी भरपूर होता है, कलर को फेयर करता है, स्किन की सारी प्रॉब्लम को दूर करता है। तो ये भी 1/2 स्पून ही हम लेंगे। ये ऑनलाइन मैंने मंगाया था, मार्केट का है, आप घर का भी बनाया हुआ यूज कर सकते हो। इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और स्किन के लिए विटामिन सी हमारे स्किन की लगभग सभी प्रॉब्लम दूर करता है, रंगत को तो निखारता ही, दाग धब्बों को भी दूर करता है, स्पॉट्स को भी दूर करता है। तो अब यहाँ मैं जो ऐड करने जा रही हूँ ये नीम पाउडर है। आपके पास नीम पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश नीम की 10 पत्तियाँ ले लेना, उसे यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये मैं 1/2 स्पून ले रही हूँ। ठीक है। एक अच्छे से मिक्स कर देते हैं। नीम जो होता है हमारे स्किन की सभी प्रॉब्लम को दूर करता है, ये बहुत ही बेहतरीन टोनर होता है, हर तरह के स्पॉट्स को हटाता है, एक्निंग की प्रॉब्लम है, मुहासों की प्रॉब्लम है, दाग धब्बे हैं, उसे भी दूर करता है, एक्स्ट्रा ऑयल को भी हमारे फेस पे नहीं आने देता है। अब इसके बाद जो हम मिक्स करने जा रहे हैं चलो वो भी देख लो। यहाँ मैं ले रही हूँ केसर और ये हमारी रंगत को फेयर करता है, कलर पे एक चमक लाता है। ठीक है। तो अगर आपके पास केसर नहीं है ना, बहुत महंगा आता है पता है, फिर भी अगर आपके पास नहीं, आप नहीं लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको क्या ऐड करना होगा, कस्तूरी हल्दी, खाने वाली हल्दी नहीं लेना है, कस्तूरी हल्दी 1/2 स्पून से भी कम लेना है, वो भी आपकी एक्ने की प्रॉब्लम, दाग और धब्बे, छाइयों को दूर कर देगा। ठीक है। और केसर ले लिए तो काफ़ी अच्छा होगा। अब सबको अच्छे से आपको मिक्स करना है, गैस को बिल्कुल स्लो ही रखना है, अच्छे से मिक्स कर लेना। जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ मिक्स कर लूँगी और थोड़ी देर बाद जैसे मुझे लगेगा इसमें से उबाल आने वाला है तो गैस को मैं यहाँ बंद कर दूँगी, मतलब यहाँ से 1 मिनट से लेकर के
डेढ़ मिनट लग जाते हैं। यहाँ देखिए हल्का हल्का मुझे लग रहा है कि अब यहाँ उबाल आने वाला है। मैं गैस को बंद, यहाँ देखिए मैंने गैस को बंद कर दिया है। और ये जो टोनर हर टाइप के स्किन के लोग लगा सकते हैं। अगर आपकी एज 13-14 साल है, आपके फेस पे बहुत ज्यादा मुहासे हैं, स्पॉट्स हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम को ये दूर करने वाला। देखो मैंने गैस बंद कर दिया, तो चलो बताते हैं इसे स्टोर कैसे करना है। आपको स्प्रे वाली बोतल, कोई भी कंटेनर आपके पास है, आप उसे स्टोर कर सकते हैं। स्प्रे वाली बोतल में इसे स्टोर कर लेती हूँ। तो चलिए देखते हैं वो ठंडा हो चुके हैं कि नहीं हमारे टोनर जी, जो हमारे हर तरह की स्किन प्रॉब्लम को दूर करेंगे। तो इसका कलर भी चेंज हो चुका है, ये देखो। और जैसे कैसे केसर मतलब अपना कलर छोड़ रहा है, इसका कलर डार्क होता जा रहा है। अब इसे आपको क्या करना है, अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको एक सूती कपड़ा, कॉटन का कपड़ा लेकर के इसे अच्छे से छान लेना है। मैं यहाँ छन्नी से छान रही हूँ, क्योंकि मुझे ना बस पानी नहीं चाहिए, जो इसका मटेरियल वो भी चाहिए जिससे और अच्छे से वर्क करे। अगर आप बिल्कुल टोनर जैसा, पानी जैसा चाहते हो, तो आपको सूती कपड़े से लेना। और ये जो छन्ने के बाद जो बचा है ना, इसे आप दही और क्या बोलते हैं बेसन में मिक्स करके अपने चेहरे पर फेस पैक की तरह यूज। इस टोनर को आपको फ्रिज में स्टोर करना है। फ्रिज में स्टोर करने के बाद 2-3 घंटे के बाद ये चेंज हो जाता है, जो इसका मटेरियल है ना, जो हमने डाला था, वो नीचे बैठ जाता है, पानी बिल्कुल ऊपर आ जाता है। ये देखो ना, 2-3 घंटे के बाद जब आप इसे रख दोगे, तो ये जो उसका पानी होता है वो ऊपर आ जाएगा, तो बिल्कुल आपको मार्केट जैसा टोनर मिल जाएगा। मगर मैंने थोड़ा गाढ़ा मटेरियल लिया है, क्योंकि फेस पे और ज़्यादा वो असर करे। तो आपको लगाना है स्प्रे वाली बोतल में स्प्रे करके भी, फेस पे जैसे स्प्रे करते हो वैसे छोड़ देना है, फेस पे लगा करके फेस को टच नहीं करना है। चाहो तो आप कॉटन में डिप करके, जैसे आपने स्प्रे वाली बोतल नहीं ली है, किसी भी ऐसे कंटेनर में स्टोर किया, तो कॉटन में डिप करके पूरे फेस पे, जैसे आप रोज वाटर लगाते हो वैसे यूज कर सकते हो। दिन में 3-4 बार आप यूज कर सकते हो, जब भी आपकी इच्छा हो। अगर आप इसे यूज कर रहे हो तो एक्स्ट्रा ऑयल तो कम होगा, साथ ही आपके सारे स्पॉट्स भी दूर होंगे, रंगत भी फेयर होगी। चलती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, सी यू। अपना ध्यान रखिएगा ऐसे ही।